हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जी के ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय स्थापत्य और मूर्तिकला प्रश्नोत्तर की सीरीज़ में शुरू कर रही हूँ, ये उसका भाग एक है। इससे पहले भी मूर्तिकला पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं, लेकिन ये सीरीज़ काफ़ी लंबी चलेगी। इसमें कोशिश करूँगी कि भारतीय जितनी भी मूर्तिकला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, स्थापत्य कला से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम के लिए, उनको उसमें मैं शामिल कर पाऊँ। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं और ये अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और भी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं, और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सांची की शाल भंजिका यक्षी किस काल में बनी थी? सांची की शाल भंजिका यक्षी जो है वो आंध्र सातवाहन से उसका संबंध है। आंध्र सातवाहन काल में वो निर्मित हुई थी। आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र सातवाहन। और सांची और भरहुत दोनों ही शुंग काल में निर्मित हुए थे। सांची और भरहुत दोनों शुंग काल में बने थे, लेकिन सांची की जो शाल भंजिका है वो आंध्र सातवाहन काल में निर्मित हुई थी। प्रश्न दो है, रामपुर बुल कैपिटल कहाँ स्थापित है? रामपुरवा है ये। रामपुरवा बुल कैपिटल जो है वो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थापित है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, नई दिल्ली। और नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में ये रामपुरवा से प्राप्त बुल कैपिटल स्थापित है। क्वेश्चन तीन है, अशोक कालीन नंदनगढ़ चंपारण अभिलेख पर किसकी आकृति है? तो अशोक के समय जो निर्मित हुए थे नंदनगढ़ के अभिलेख चंपारण में जो है बिहार में, उस पर है आकृति मयूर यानी कि मोर की। आंसर है इसका ऑप्शन सी, मोर यानी कि मयूर की आकृति उस पर बनी हुई है। प्रश्न नंबर चार है, अमरावती में स्तूपों की रचना किसने करवाई थी? अमरावती में जो स्तूप बने हैं बौद्ध स्तूप, उनकी जो निर्माण करवाया था वो करवाया था आंध्र शासकों ने 200 ईसा पूर्व। आंसर है इसका ऑप्शन ए, आंध्र सातवाहनों ने अमरावती में स्तूपों की रचना करवाई थी 200 ईसा पूर्व उसका समय काल। प्रश्न पाँच है, गुप्त काल की मूर्तियां सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई हैं? गुप्त काल में जो निर्मित हुई थी मूर्तियां, उसके साक्ष्य सबसे ज़्यादा या सबसे पहले प्राप्त हुए हैं मथुरा और सारनाथ से। आंसर है ऑप्शन डी, मथुरा और सारनाथ से सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं मूर्तियों के जो कि गुप्त काल में निर्मित हुई थी। प्रश्न है नंबर छः, नागार्जुन कोंडा में किस पत्थर से स्तूप बनवाए गए थे? नागार्जुन कोंडा जो कि है आंध्र प्रदेश में, ये तेलंगाना की सीमा पर है, और यहाँ पर सातवाहनों ने गुंटूर जिले में इक्ष्वाकी वंशी राजा थे, उन्होंने हल्के रंग के मुलायम चूना पत्थर से स्तूप बनवाए थे। आंसर है यहाँ पर चूना पत्थर, हल्के रंग के चूना पत्थर उसमें प्रयोग हुए हैं, और ये नागार्जुन कोंडा है आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में। अगला प्रश्न है नंबर सात, लकुलिश प्रतिमा कहाँ स्थापित है? लकुलिश प्रतिमा जो है वो है परशुरामेश्वर मंदिर में, और ये परशुरामेश्वर मंदिर जो है वो है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। आंसर है ऑप्शन डी, भुवनेश्वर में परशुरामेश्वर मंदिर है जो कि 10वीं सदी का है, और इसके सिरदल पर यानी कि लेंटिन पर लकुलिश प्रतिमा के कारण इसे पाशुपत पंथ का माना जाता है। लकुलिश 28वें शिवजी के अवतार या अंतिम अवतार माने जाते हैं।
ये इसका संबंध भी याद रखिए पाशुपत पंथ से है और ये 10वीं सदी में निर्मित हुआ था मंदिर। प्रश्न 8 है, भारत में पहला मकबरा कहाँ निर्मित हुआ था? तो भारत में सबसे पहला जो निर्मित मकबरा है वो है गोंडा लागूर। गोंडा लांगूर का है मकबरा जो कि है केरल में। गोंडा लागूर का मकबरा सबसे पहले भारत में बना था और चेरामन जुमा मस्जिद निर्मित की गई थी साथ में इसमें, और 629 ईस्वी में मलिक इब्न दिनार द्वारा इसे बनवाया गया। इसका टाइम पीरियड है 629, 629 ईस्वी में मलिक इब्न दिनार द्वारा इस मकबरे को बनवाया गया था। प्रश्न नंबर 9 है, बादामी की गुफा से प्राप्त शिलालेख का समय क्या है? बादामी की गुफा से जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनका संबंध है चालुक्य राजवंश के राजा मंगलेश से, और ये 578, इसका टाइम है यानी कि 6वीं शताब्दी के हैं ये शिलालेख। आंसर है इसका ऑप्शन बी 6वीं शताब्दी। अगर टाइम पीरियड उस तरह से आता है तो 578 ईस्वी इसका टाइम है, और चालुक्य वंश के राजा थे मंगलेश, उनके समय के ये माने जाते हैं। प्रश्न 10 है, रामायण के दृश्यों का चित्रण पहली बार किस गुफा से प्राप्त हुआ था? तो रामायण पर आधारित चित्र के जो साक्ष्य मिले हैं वो सर्वप्रथम मिले थे नचना कुठारा से। नचना कुठारा से मिले थे सबसे पहले साक्ष्य, आंसर है ऑप्शन बी। और भारतीय मूर्तिकला में रामायण के ये दृश्य जो आए नचना कुठारा में, तो नचना कुठारा है वो पन्ना में, पन्ना मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर माता पार्वती का मंदिर है जो पूर्व गुप्त काल का माना जाता है। याद रखिए नचना कुठारा में माता पार्वती का मंदिर है। अगला प्रश्न है नंबर 11, भूमरा में किस देवता का मंदिर है? भूमरा जो कि है मध्य प्रदेश में, और इसमें जो मंदिर है वो है भगवान शिव का। आंसर है ऑप्शन ए, भगवान शिव का मंदिर है भूमरा में जो कि मध्य प्रदेश में। प्रश्न 12 है, एरन में किस देवता की प्रतिमा प्राप्त हुई है? एरन जो कि है सागर मध्य प्रदेश में, यहाँ से जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वो भगवान विष्णु के अवतार वराह की प्रतिमा है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, वराह की प्रतिमा प्राप्त हुई है एरन मध्य प्रदेश, सागर मध्य प्रदेश में है ये। प्रश्न नंबर 13 है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर जो कि है तंजोर में, तो यहाँ का जो मंदिर बना है वो है 11वीं सदी का, और इसका निर्माण करवाया था राज राजा प्रथम ने। आंसर है ऑप्शन सी, राज राजा प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। 11वीं सदी का मंदिर है जो कि तंजोर में है। प्रश्न 14 है, लांडखा मंदिर का समय क्या है? लांडखा मंदिर ये ऐहोल में जो मंदिर है उसमें से ही एक मंदिर है जो कि कर्नाटक में है, कर्नाटक ऐहोल में है लांडखा मंदिर, और यहाँ पर भगवान शिव का जो रूप है वो स्थापित है, और बीजापुर में है ये, और 5वीं सदी में ये बना था। आंसर है इसका टाइम 5वीं सदी में बना था लाड़खा मंदिर, ऐहोल में है जो कि बीजापुर के में पड़ता है और कर्नाटक राज्य है, तो यहाँ भगवान शिव की प्रतिमा भी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस शासक ने खगोल वेधशाला बनवाई थी? तो खगोल वेधशालाएं जो बनी थी 5 बनी थी वो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग शहरों में, इसमें सबसे पहले बनी थी दिल्ली में जिसे कहा जाता जंतर मंतर हैं ये वेधशालाएँ, इन वेदशालाओं को जंतर मंतर कहा जाता है, पहली दिल्ली में, दूसरी उज्जैन में, फिर वाराणसी, फिर मथुरा, फिर जयपुर में। वो बनवाने वाले शासक थे
सवाई जयसिंह सेकंड। सवाई जयसिंह द्वितीय ने इन वेधशालाओं को बनवाया था। भारतवर्ष में ये पांच हैं जिन्हें जंतर मंतर कहा जाता है। प्रश्न 16 है, भारत के नए संसद भवन का डिजाइन करता कौन है? भारत का जो नया संसद भवन बन रहा है उसका डिजाइन करता कौन है? तो उसको डिजाइन किया है या उसका आर्किटेक्चर जो है वो अब तैयार हुआ है डॉक्टर विमल पटेल द्वारा। आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर विमल पटेल। ये भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार हैं, इन्होंने तैयार किया है नए संसद का डिज़ाइन। जो पुराना संसद था उसका डिज़ाइन किया था हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियन ने। और ये पुराना संसद भवन 64 योगिनी मंदिर पर आधारित था। प्रश्न 17 है, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? तो चंडीगढ़ के वास्तुकार थे, अक्सर ये पूछा गया है प्रश्न, डी कार्बूजियर। आंसर है ऑप्शन सी, ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ का डिजाइन बनाया था। प्रश्न है, 18 सुल्तानगढ़ी का मकबरा किस शासक ने बनवाया था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा ये बना था 1231 में। 1231 में बनवाया था इसको इल्तुतमिश ने। आंसर है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश ने अपने बेटे के लिए बनवाया था 1231 में सुल्तानगढ़ी का मकबरा। क्वेश्चन है नंबर 19, बीदर का मकबरा किस राज्य में है? बीदर में जो मकबरा है वो 15वीं शताब्दी का है और बीदर जो पड़ता है वो पड़ता है कर्नाटक में। ये पड़ता है कर्नाटक राज्य में, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, कर्नाटक राज्य में पड़ता है बीदर का मकबरा, जिसे कि 15वीं शताब्दी में बनवाया था मोहम्मद गवा ने। और इसे बीदर को जो मदरसा है वो मोहम्मद गवा का मदरसा है। आंसर है कर्नाटक, ऑप्शन बी। प्रश्न 20 है, दीन पनाह महल किस शासक ने बनवाया था? तो दीन पनाह महल या दीन पनाह किला भी कहा जाता है और इसके निर्माणकर्ता थे शेर शाह सूरी। आंसर है ऑप्शन ए, शेर शाह सूरी ने दीन पनाह महल या दीन पनाह किला को बनवाया था। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न भारतीय मूर्ति कला और स्थापत्य कला पर आधारित। आपको ये प्रश्न कैसे लगे आप बताइएगा, कितने प्रश्न आपके सही हुए ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, लाइक करें, और कुछ कमी लगती है तो वो भी आप ज़रूर मेंशन करें। गुड लक, जय हिंद।